हेलो बच्चों, तो आ गए हम आज स्टेट्स ऑफ मैटर का वीडियो नंबर 7 लेकर। ओए होए, बड़े पार्ट बन रहे हैं। और जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है गैसियस स्टेट। और भैया आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर ये तो आप हर वीडियो के पहले बोलते हो। अब है यार, अब क्या करें, पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, तो हमारा तो कर्तव्य है बोलना। मैं क्या बोलूं, जाओ प्यार करो, मोहब्बत करो, जिंदगी बर्बाद करो, खेलो घूमो, ये नहीं बोल सकता। तो बच्चों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा होना सीरियस नोट, सही में आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लग रहा हूँ पहले भी बताओ, अच्छा लग रहा हूँ? आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत प्यारे। ठीक है, तो यार रियल गैस और आइडियल गैस, मतलब बहुत ही प्यारा टॉपिक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम अलख पांडे, हम सबका चैनल फिजिक्स वाला। ठीक है, बहुत मजा आया। तो आज बात कर रहे हैं रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो पहली बात तो ये समझो, ये टॉपिक जो है ये केमिस्ट्री फिजिक्स छोड़ो हिस्ट्री जैसा टॉपिक है ना, रटना है इसमें, रट्टा मारना है। तो ऐसा करो, पेन और किस पे लिखते हो, पत्ते पे लिखते हो, कॉपी पे लिखते हो, जिस पे लिखते हो कॉपी वगैरह पे, उसको ले आओ। ठीक है, और लिखना चालू कर दो आज रियल गैस और आइडियल गैस के बीच का डिफरेंस। यार रियल गैस होती क्या है? रियल गैस को हम बोल सकते हैं नॉन आइडियल। वाह भाई सर वाह, ये तो वही बात हो गई, फीमेल को बोला नॉन मेल। रियल गैस को हम बोल सकते हैं नॉन आइडियल गैस। आइडियल गैस यार वो है जो अभी तक तुम पढ़ते आओ। ये पूरा टॉपिक पूरा थ्योरेटिकल है आज का। आज मैं ये बताऊंगा रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड क्या होता है, कब डिसाइड करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन वगैरह वगैरह। समझते हैं। जो अभी तक आपने इक्वेशन पढ़ी थी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जो कोई गैस एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर PV is equals to nRT को फॉलो करे, मतलब इस इक्वेशन पे वैलिड उतरे, खरी उतरे इस पे, वो भैया होती है आइडियल गैस। ते सादा खरा खरा। और भाई साहब जो PV is equals to nRT को निभा ना पाए, PV is not equal to RT, नहीं निभा पाया इसको, दैट इज रियल गैस। ऐसे बोलने का तरीका होता है, मतलब सही से बताऊं तो रियल गैस भी निभाता है। रियल गैस में भी PV is equals to nRT होता है, सिर्फ कब, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। याद रखना, जेई का सवाल है, नीट का सवाल है, ठीक है, हर एग्जाम में आया हुआ घिसा पिटा सवाल है, एकदम दो कौड़ी का हो चुका है आज की डेट में ये। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे एक रियल गैस भी बिहेव करती है कैसी, आइडियल गैस की तरह। मतलब रियल गैस फॉलो करती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, सिर्फ और सिर्फ कब, लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर। और ये आइडियल गैस कब करती है, सारे टेम्परेचर सारे प्रेशर पे। वो कब करते हैं, सिर्फ एलपीएचटी, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। कहां पे याद रखेंगे, एलपीएचटी, एलपीएचटी। तो ये सबसे पहला बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच का। दूसरा डिफरेंस बच्चों सुनना ध्यान से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, मैंने एक वीडियो बनाया है, चाहो तो यूट्यूब पे देख लो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस फिजिक्स वाला टाइप करके। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल गैस होती है, जो आइडियल गैस होती है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव नेग्लेजिबल वॉल्यूम, हैव नेग्लेजिबल वॉल्यूम, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका खुद का कोई वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब इतने छोटे हैं कि उनका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है। तो आप बोलोगे गैस का वॉल्यूम क्या है? जब मैं किसी गैस को इस रूम में छोड़ूंगा तो गैस पूरे रूम में बिखर जाएगी, यानी पूरे रूम का वॉल्यूम गैस ले लेगी, ठीक है। बट उसके मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं ना कि अगर सारे मॉलिक्यूल्स को उठाकर मैं एक साइड में रख दूं तो उन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, मतलब मॉलिक्यूल जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है, एक्चुअल मॉलिक्यूल, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। किसने कहा था ये? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने ऐसा हमसे कहा था, ठीक है। बट यार ऐसा होता है नहीं, जो एक रियल गैस होती है उनके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है, मॉलिक्यूल्स मेरे रूम में एक चूहे ने अटैक कर दिया मेरे ऊपर, वीडियो नहीं रोकूंगा मैं वीडियो नहीं रोकूंगा। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स हैव वॉल्यूम, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का ओरिजिनल में कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है एक्चुअल में, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन हमसे ये कहती है कि मान लो, मैं समझाता हूं इसको बनाकर, यहां मान लो एक कंटेनर है और इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और बिखरे हुए हैं,
ऐसे होते हैं गैस के मॉलिक्यूल पूरे में बिखर गए। तो आइडियल गैस कहती है अगर इन मॉलिक्यूल्स को आप कुप्चे में लाओगे कहीं यहाँ पे कुछ 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 कचका रही टू वीडी, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स इतने में दब जाएंगे, मतलब इनका एक्चुअल में वॉल्यूम कैसा है, नेग्लिजिबल। पर रियल गैस ऐसा नहीं मानती, रियल गैस बोलती है कि भैया जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े बड़े हैं, तुम उसको दबा के साइड में भी रखोगे तो काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, नेग्लिजिबल नहीं हो पाएंगे। सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। हाँ, इसको आप बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो कि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूं चीज बोलने की। आप बोलो कि रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर रिजिड स्फीयर्स, दे आर रिजिड स्फीयर, बड़े बड़े हैं यार, वो छोटे छोटे थोड़ी ना है कि उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो। और आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर पॉइंट मास, मतलब ये तो मानते हैं कि ये है मॉलिक्यूल, और रियल गैस कहते हैं नहीं भैया मॉलिक्यूल है बड़ा सा एक चीज है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमसे बोलती थी कि जो आइडियल गैसेस होती हैं इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। सो ये नेग्लेक्ट करते हैं इस बात को दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। मतलब बचपन से हम पढ़ते आए कि भैया मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बोल रहे हैं देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। क्या होता है ना, आइडियल गैस एक्सपैंड करती है, जिस कंटेनर में छोड़ोगे पूरे कंटेनर में फैल गई, तो भैया पूरे कंटेनर में कैसे फैली, क्योंकि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, ऐसा ये मानते हैं। बट रियल गैस क्या कहती है, नहीं भाई ये बात गलत है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स इतने छोटे नहीं हैं कि उन एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को खींचते हैं। तो दिस इज द बेसिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कब वैलिड है, ऑलवेज वैलिड है। ये बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी सिर्फ तब वैलिड है जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो। ये बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, गैस के सारे मॉलिक्यूल्स को कुप्चे में ला के रखो तो उनका वॉल्यूम तो जीरो है ही नहीं उनका वॉल्यूम। ये बोलते नहीं भैया गैस रिजिड स्फीयर से बनी है, उनका खुद का वॉल्यूम होता है। ये बोलते हैं गैस इतना ज्यादा एक्सपैंड कर रही है कि उसके मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये नहीं मान रहे। ऐसा ही कहते हैं हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। दोनों में से कौन सी बातें सही है? डेफिनेटली रियल गैसेस की बातें सही है, हमारे आसपास जितनी भी गैसेस हैं सब रियल है, कोई भी गैस आइडियल नहीं है। आइडियल गैस थ्योरी तो एक कंसेप्ट था, उसके बाद हम लोग को पता चला कि गैसेस आइडियल होती नहीं, रियल होती हैं, बिहेव करती हैं। हाँ, अब सुनो, ऐसी जगह जहां पर रियल गैस आइडियल गैस बन जाए, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रियल गैस आइडियल गैस की जैसा कब बिहेव करती है, तो ये रहा लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस। क्लियर है? ये बेसिक डिफरेंस था, अभी बहुत डेप्थ में जाएंगे, अभी तो स्टार्ट किया, तो नोट करें इतने पॉइंट्स को फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बेसिक्स की बात की हमने आपसे, क्लियर है इतना, नोट कर लिया है? चलिए आगे बनते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया कि रियल गैस हर टेम्परेचर प्रेशर पे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो नहीं करती, आइडियल गैस करती है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, उनका वॉल्यूम नहीं होता, रियल गैस के वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, उनका वॉल्यूम होता है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इवन फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। सुनना ध्यान से, फोर्स ऑफ रिपल्शन, खैर धीमे धीमे समझते हैं। मैं एक काम करता हूं, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मैं ग्राफ बना रहा हूं प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का फॉर एन आइडियल गैस। तो यार पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पढ़ रखा है आप लोग ने कि नहीं? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये बनेगा। किसका ग्राफ है ये? आइडियल गैस का। रियल गैस ये ग्राफ नहीं लेगा क्योंकि डेफिनेटली रियल गैस में कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? रियल गैस लेता है ये ग्राफ, दिस इज द ग्राफ फॉर रियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस जैसा नहीं है, थोड़ा सा उससे अलग है। क्या हुआ ये? आ,
इस प्रेशर पे आइडियल गैस का वॉल्यूम ये होना चाहिए था, पर रियल गैस का वॉल्यूम उससे ज्यादा हो रहा। ध्यान से देखो, रियल गैस का वॉल्यूम इस गिवन प्रेशर पे आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा हो रहा, मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। कहां पे? इस प्रेशर पे। चलो हम इस प्रेशर पे आते हैं, छोटे प्रेशर पे आए। ये कौन सी गैस है? रियल गैस। इसका वॉल्यूम इस बार कम है और आइडियल गैस का वॉल्यूम इस बार ज्यादा है एट गिवन प्रेशर। मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज समटाइम्स लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट सम गिवन प्रेशर। बच्चों इस चीज को हम लोग बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जैसे हमने आपसे कहा कि आप आइडियली बिहेव करो, घर जाओ, आज 4 घंटे पढ़ाई करो, छाप तो घर पे ही हो, वीडियो लेक्चर चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि आप घर पे हो, आप 4 घंटे पढ़ाई करो, तो आप में से कुछ होंगे, ठीक है, 4 घंटे पढ़ेंगे, इस ग्राफ को फॉलो करेंगे। कुछ आप में से होंगे होशियार, क्या करेंगे, 6 घंटा पढ़ लेंगे, इधर चले गए, है ना, कि उनका रियल वाले का जो वॉल्यूम है उनका वो आइडियल से ज्यादा हो रहा है ना, मतलब आगे की तरफ भाग गए, डेविएट हो गए। वो भी पाथ पे नहीं है, वो भी डेविएट हुए हैं, पर उनका डेविएशन कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन कहलाता है? पॉजिटिव डेविएशन। भाई अच्छा किया उन्होंने, ज्यादा पढ़ लिया। कुछ और होंगे गधे, कहेंगे 4 नहीं यार 2 घंटा पढ़ते हैं यार, ये रहे 2 घंटे वाले। उनका जो रियल वॉल्यूम है दैट इज लेस देन आइडियल, जितना होना चाहिए था उससे कम। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि 2 तरह के डेविएशन हमें दिख रहे हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक चीज बड़ी अच्छी ऑब्जर्व करने वाली है, नोट में लिखेंगे यहां पे आप, प्लीज इसको नोट में लिखेंगे कि जब प्रेशर की वैल्यू हाई है, देखो यहां प्रेशर हाई है, तब मिलता है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब मिलता है? जब प्रेशर की वैल्यू कैसी हो? हाई हो। दिख रहा है? जब प्रेशर की वैल्यू लो हो, यहां देखो प्रेशर कम है, तब मिलता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो इतनी बातें नोट में डालेंगे आप कि लो प्रेशर पे मिलेगा मुझको नेगेटिव डेविएशन, हाई प्रेशर पे मिल रहा है मुझको पॉजिटिव। व्हाट इज डेविएशन? मतलब जो वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे थे वॉल्यूम उससे ज्यादा आया, तो हमने बोला पॉजिटिव डेविएशन हो गया। जो वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस प्रेशर पे हमको लग रहा था कि ये आना चाहिए वॉल्यूम, कहां से एक्सपेक्ट कर रहे थे? अरे यार इससे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आप ये वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये वाला, पर आया कौन सा? रियल में दिखा कौन सा, मेजर कौन सा हुआ, ऑब्जर्व कौन सा हुआ? ये वाला। जो रियल वॉल्यूम है दैट इज लेस देन आइडियल वॉल्यूम, एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। थोड़ा बहुत आइडिया स्टार्ट हो गया आपको लगना, क्लियर है? नोट डालेंगे, इतनी बातें नोट्स में लिखेंगे। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। नोट कर लिया है? जिंदगी कैसी है पहेली हाय, रात के बज रहे हैं 3 और मैं बना रहा हूं रियल गैस पे वीडियो। देखो इसमें ऐसा नहीं, कई लोग अभी सेंटी हो जाएंगे, कमेंट करेंगे सर आपने रात में 3 बजे हमारे लिए वीडियो बनाया। नहीं, ऐसा नहीं, मैं दिन में अपना काम कर रहा था, रात में वीडियो बना रहा था, मैं सुबह सो भी जाऊंगा, ठीक है, तो ऐसा टेंशन मत लिया। कई लोग तुम घबरा जाते हैं, सर आपने मेरे लिए सर जान दे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब सुनो असली कहानी जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेड। अब जेड क्या करेगा? जेड आपको आइडिया देगा, आइडिया अबाउट पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, या बोल सकते हो 0 डेविएशन, जो भी है, मतलब कोई डेविएशन नहीं। जेड आपको क्लियर कट आइडिया दे देगा कि गैस सिस्टम है, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, कोई पर्टिकुलर गैस, कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे रियल है या आइडियल है। जेड की यही काम है, रियल या आइडियल बताना। जेड का फॉर्मूला बच्चों नोट डालेंगे, जेड इज इक्वल्स टू पीवी डिवाइडेड बाई एनआरटी, पीवी डिवाइडेड बाई एनआरटी। क्लियर है?
z का एक और फॉर्मूला बच्चों आप डाल सकते हैं, z इज इक्वल्स टू v रियल डिवाइडेड बाई v आइडियल। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नोट करेंगे, किताबों में ये सारी चीजें कम मिलेंगी आपको, अच्छे समझ में नहीं आएंगी, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, मैं धीमे धीमे समझाऊंगा, दो वीडियो लगेंगे इसमें पूरा रियल गैस बिहेवियर में। वान डर वाल इक्वेशन अगले वीडियो में आएगा, इसमें एक्सपेक्ट मत करना वान डर वाल इक्वेशन। z इज इक्वल टू पी वी बाई एन आर टी, z इज इक्वल टू वी रियल अपॉन वी आइडियल। यहां तो समझ में आ रहा है प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स गैस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये वी रियल वी आइडियल क्या है। वी रियल इज द रियल वॉल्यूम ऑफ गैस, जो एक्चुअल में उसका वॉल्यूम मेजर हो रहा है, ठीक है। इसको निकालने का तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है ना, ये ना मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होगा, मतलब इसको निकालने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है यार। रियल वॉल्यूम सिर्फ मेजर कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटली मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? एक्सपेरिमेंटली मिल सकता है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, रियल वॉल्यूम है, किसी लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा। आइडियल वॉल्यूम आप निकाल सकते हो यूजिंग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस कैन बी कैलकुलेटेड। तो एग्जाम में इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी क्या है, कौन सा दिया होगा? डेफिनेटली रियल दिया होगा, और कुछ कहानी दे देगा कि इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है, तो इसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर लोगे। अब सुनो, जेड की वैल्यू यदि होती है वन, मतलब पी वी इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी, वन हो गया तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। भैया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी किसके लिए होता है? आइडियल गैस के लिए। तो इफ जेड इज वन, इफ जेड इज वन, देन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एंड इट इज एन आइडियल गैस, क्लियर है। दूसरी कंडीशन हो सकती है भैया जेड वन ना हो, मतलब पी वी इज नॉट इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब ये किसके लिए हो गई बच्चों? रियल गैस, ठीक है। तो कोई गैस आइडियल है या रियल, अगर उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वन वैल्यू लेता है तो दैट गैस इज आइडियल गैस, और अगर वन नहीं लेता है तो रियल गैस है, ठीक है भैया, क्योंकि है ना। बढ़िया, नोट करेंगे, नोट करेंगे दोनों फॉर्मूले को भी, आगे और डिटेल में जा रहा हूं मैं। अब जेड वन ना हो तो जेड क्या होगा, वन से बड़ा या वन से छोटा? तो यहां से आगे कहानी स्टार्ट होगी कि z1 ना हो तो क्या होगा, 1 से बड़ा या 1 से छोटा। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों फॉर्मूलेस को ऊपर डालता हूं और आपको एक इंपॉर्टेंट नोट देता हूं। यहां आपको कोई न्यूमेरिकल मिलने वाला नहीं है, आपको कोई बहुत ढेर सारी लॉजिक मिलने वाली नहीं है, आपको यहां पे एक रामायण और महाभारत मिलने वाली है, जिसको आपको याद करके एग्जाम में जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, अरे हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। कई लोग इस समय प्यार मोहब्बत के जंजाल में फंस गए होंगे, क्योंकि क्लास 11th स्टार्ट हो गया है, प्यार करने की असली उम्र आ गई है। कुछ दिन बाद वही लोग अगल बगल आपको रोते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। तो भैया जेड के दो फॉर्मूले, पी वी अपॉन एन आर टी, वी रियल अपॉन वी आइडियल, ठीक है। तो हमने आपसे बोला कि अगर z की वैल्यू 1 है तो PV इज इक्वल टू nRT है, तो भैया आइडियल गैस है, खुश रहो। दूसरी बातें क्या हो सकती है? दो बातें हो सकती हैं, अब सुनना। z या तो 1 से बड़ा, z या तो 1 से छोटा, दोनों ही केस में रियल गैस है, दोनों ही केस में इट इज रियल गैस। z 1 नहीं है तो रियल है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। z 1 से बड़ा बच्चों मतलब PV, Z1 से बड़ा मतलब इज ग्रेटर देन एन आर टी। यहां से बताओ क्या होगा? Z1 से बड़ा मतलब V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वॉल्यूम, और जो गैस का मेजर्ड वॉल्यूम है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, मतलब गैस एक्सपैंड कर गई, गैस क्या कर गई है? एक्सपैंड कर गई है ना। आप सोच रहे थे वॉल्यूम कम आएगा पर वॉल्यूम ज्यादा आ गया, एक्सपैंड कर गई, मतलब कौन सी फोर्स है मॉलिक्यूल्स में, रिपल्सिव की अट्रैक्टिव? मेरे ख्याल से तो रिपल्सिव। कौन सी फोर्स डोमिनेट कर रही है? डेफिनेटली रिपल्सिव फोर्स, तभी तो गैस क्या की एक्सपेक्ट। आप सोच रहे थे वॉल्यूम कम आएगा पर वॉल्यूम ज्यादा आ गया, कौन सा डेविएशन है बच्चों से ग्रेटर देन वन? पॉजिटिव डेविएशन, जो वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे थे वॉल्यूम उससे ज्यादा आया, मतलब गैस हैज एक्सपेंडेड, मतलब रिपल्सिव फोर्स आर डोमिनेंट। जेड लेस देन वन, पीवी इज लेस देन एन आर टी, ओके। ये लेस देन वन कब आएगा? व्हेन वी रियल इज लेस देन वी आइडियल, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे थे गैस का वॉल्यूम उससे भी कम आ गया,
आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 100, आया 80, मतलब गैस कंप्रेस कर गई है, गैस क्या कर गई है, कंप्रेस कर गई है, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वॉल्यूम कम हो गया, मतलब कौन सी फोर्स है, अट्रैक्शन की फोर्स डोमिनेट कर रही है, अट्रैक्शन की फोर्स डोमिनेट कर रही है, और कंडीशन ये कौन सी है, नेगेटिव डेविएशन की है। तो Z की भैया तीन तरह की वैल्यू याद रखनी है, Z इक्वल टू 1 मतलब आइडियल गैस मतलब नो डेविएशन, Z 1 के बराबर नहीं मतलब रियल गैस, 1 से बड़ा पॉजिटिव डेविएशन, 1 से छोटा नेगेटिव डेविएशन, 1 से बड़ा का मतलब V real greater than V ideal, 1 से छोटा मतलब V real less than V ideal। नोट करेंगे इसको, नोट करेंगे, अरे हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। तो आज का हमारा टॉपिक था प्यार, क्लास 11th में होने वाला प्यार, जो कि होता है बहुत ही जहरीला। नोट कर लिया यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तुम चाहो तो पॉज करके भी नोट कर सकते हो, पर तुम आलसी हो, तुम्हें बटन दबाना नहीं है। सर अभी नहीं हुआ, सर मत मिटा रही है, स्कूल में करते थे ना ऐसा, बस ये ना अपने टेक्नोलॉजी आ गई, अपन पॉज करो पीछे जाओ, है ना, सब कुछ हो सकता है। चलो आगे देखो, थियोरेटिकल टॉपिक है, ध्यान दो, यहां से सवाल जेई मेंस में आ रहे हैं भर भर के, प्यार से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत बोरिंग है, पूरा थियोरेटिकल है। चलो एक न्यूमेरिकल देख लो, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन में देता हूं आपको, एट एसटीपी द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस इज मेजर्ड टू बी 25 ml, 25 liters, ठीक है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ गैस एंड टाइप ऑफ फोर्स डोमिनेंट। चलिए खुद से ट्राई करेंगे इसको, आप बताइए नेचर ऑफ गैस मतलब गैस आइडियल है कि रियल है, और रियल है तो पॉजिटिव डेविएशन कि नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, फोर्स कौन सी है, अट्रैक्टिव डोमिनेंट है या रिपल्सिव डोमिनेंट है। तो पॉज करेंगे, जस्ट पास दिस वीडियो एंड शॉर्ट दिस क्वेश्चन। रात का समा झूमे चंद्रमा, चलिए सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। मेरे कॉलेज में एक जूनियर थी, और नहीं यार अभी नाम भी नहीं लेना चाहिए ना, चलो भगवान करे कहीं से उन लोग बच्चे वो वीडियो देख ले, ओले ओले ओले। मेरा कोई चक्कर नहीं था, आप लोग तो गलती सेंस पे चले गए, जूनियर बच्चे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एसटीपी द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है। तो भैया हम लोग को निकालना चाहिए जेड, जेड से ही कहानी खत्म होगी, जेड का फॉर्मूला बोलो, वी रियल अपॉन वी आइडियल, यही होगा, वी रियल अपॉन वी आइडियल। तो यार रियल वॉल्यूम कितना दे रखा है, 25 लीटर, और आइडियल कितना होगा, जरा ध्यान से क्वेश्चन देखो, एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, कुछ याद आ रहा, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज, याद आया क्या, 22.4 लीटर, पढ़ रखा है कि नहीं अपन ने, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करना चाहिए था, आइडियल कंडीशन यही थी, पर ऑक्यूपाई कितना किया, 22.4 लीटर। डेफिनेटली जेड इज ग्रेटर देन 1, तो पहली बात तो ये रियल गैस है, डेविएशन कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन है, वी रियल क्या है, वी आइडियल से बड़ा है, मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा गैस का एक्सपेंशन हो गया है, एक्सपेंड की है मतलब भाग रही है, तो मतलब कौन सी फोर्स, रिपल्सिव फोर्स आर डोमिनेंट। पूरा आंसर सामने, बोलो क्लियर हो गया, इसमें यही सब सवाल बन सकता है और क्या बनेगा। और ये हो सकता है कि मान लो ये वैल्यू दे देता और तुमसे बोलता कि 2 moles ऑफ गैस है, और तुमको टेम्परेचर बता देता, ठीक है, तुमको प्रेशर वगैरह बता देता, तो तुम PV इज इक्वल्स टू nRT लगा के V आइडियल निकाल लेते भैया, कि आइडियल गैस इक्वेशन लगा के V रियल दिया था और कहानी खेल देते। या और उल्टा करता तुमको, है ना, तुमको जेड का वैल्यू दे देता, तुमको V आइडियल दे देता, तुमसे V रियल पूछ लेता, तो यही सब कहानी करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है इतने बात,
रियल गैस थी क्योंकि Z 1 नहीं आ रहा था, 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव डेविएशन भी रियल वी एल से बड़ा दिख रहा है, मतलब गैस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक्सपैंड की है, मतलब रिपल्सिव फोर्स। क्लियर हो गया? अच्छा, और कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा इसमें यार तुमको, क्या बनाओ न्यूमेरिकल। चलो अच्छा एक और देख लो, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बनके, टिंग 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 टिडिंग डिडिंग डिडिंग, तुम सब मेरी जिंदगी में बाहर बनके आए हो, तुम ना होते तो मेरा क्या होता। सर आप तो उल्टा बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, यहां मैं जेड की वैल्यू लिख रहा हूं फॉर सम गैसेस, ठीक है, आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ जेड फॉर सम गैसेस, गैसेस है ए बी सी, बस हो जाएगा, और मैं जेड की वैल्यू लिख रहा हूं सब गैसेस के लिए, ए के लिए है 1.4, बी के लिए है 0.8, सी के लिए है 1.6, एक और ले लेते हैं डी के लिए है 1.4, 1.6, 0.8, 0.4। क्वेश्चन नंबर वन, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर में इसको अरेंज करें। चलिए खुद से ट्राई करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेवी, कौन सबसे ज्यादा डेविएटेड आइडियल से और कौन सबसे कम। तो यार इसमें अपने दिमाग में एक चीज याद रखो, जो जिसका जेड वन के क्लोजेस्ट होगा, वन के क्लोजेस्ट होगा वो भैया आइडियल होगा, और जिसका जेड वन से जितना दूर होगा वो रियल होगा उतना ज्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन करना है, ठीक है। सबसे कम डेविएशन किसमें हुआ है, इसका जेड कितना दूर है वन से, 0.4 दूर है, इसका जेड कितना दूर है वन से, 0.2 दूर है, इसका जेड कितना दूर है वन से, 0.6 दूर है, और इसका जेड भी कितना दूर है वन से, 0.6 दूर है, तो ये दोनों तो बराबर पे आ जाएंगे ना। वन से कितना दूर है जेड, जितना दूर होगा उतनी ज्यादा डेविएशन। तो भैया सबसे ज्यादा दूर किसमें है इनमें, सबसे कम दूर किसमें है वन से, ये वाला क्लोजेस्ट टू वन ये है, तो ये सबसे हमारा आइडियल हो गया। तो सबसे पहले आएगा बी, मोस्ट आइडियल, इन सब में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन में लगाना है, कौन सी डेविएशन ये भी नहीं बताया, बस आइडियल से दूर है, सबसे ज्यादा आइडियल ये है। बी के बाद ए आएगा, ए का डेविएशन 0.4 है, इसके बाद सी और डी बराबर से डेविएटेड है, ये भी वन से 0.6 दूर है, ये भी 1 से 0.6 दूर है, ये तो हो गया, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अमंग मॉलिक्यूल्स, चलो मैंने सवाल चेंज कर दिया, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल्स। पहले तो याद करो अट्रैक्टिव फोर्स कहां पे होती हैं, पॉजिटिव डेविएशन में कि नेगेटिव डेविएशन, पहले तो इतना डिसाइड करो, सोचो 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 सोच के देखो, z ग्रेटर देन 1 मतलब v रियल ग्रेटर देन v आइडियल, मतलब गैस की है एक्सपैंड, एक्सपैंड की है मतलब मॉलिक्यूल्स दूर भागे हैं, मतलब कौन सी फोर्स है, रिपल्सिव तो नहीं, मतलब z लेस देन 1 देखेंगे तब अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगी। अट्रैक्टिव फोर्स के लिए क्या चाहिए होगा, z लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 में तो वॉल्यूम ज्यादा आ रहा, ज्यादा मतलब एक्सपैंड किया मतलब मॉलिक्यूल दूर भागे, रिपल्सन हुआ है, रिपल्शन हुआ है, तो z लेस देन 1 चेक करना है। तो सबसे ज्यादा लेस देन 1 किस में है, है ना, सबसे ज्यादा वो सबसे आगे भाग जाएगा, लेस देन 1 वाला एक हमारा b हुआ, एक हमारा d हुआ, तो भैया d इसमें राजा बनेगा, डी सबसे ज्यादा डेविएटेड है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है। भैया जेड जितना लेस देन वन होगा, ऊपर दिखाई भी पड़ रहा है, मैं यहां लिख लेता हूं, जेड जितना लेस देन वन होगा वी रियल उतना लेस देन वी आइडियल होगा, मतलब वॉल्यूम उतना कम हुआ है, कम हुआ है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा तो डी में होगा, मतलब डी इस खेल में जीत जाएगा। डी के बाद कौन आएगा, बी आएगा, इनकी तो मतलब ही नहीं ना, ये तो रिपल्शन में, अब इन दोनों में ज्यादा रिपल्शन किसमें है, सी में, तो वो बाद में चला जाएगा, कम रिपल्शन ए में, बोलो सही लिखा है कि नहीं। भाई सी तो पूरी तरह से रिपल्सिव फोर्स है, वन से जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रिपल्शन, इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स है,
इसमें भी क्या है रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा किसमें है, सी में, तो इसको पीछे भेज दिया, ए में कम थी। क्लियर है, तो ये दो ऑर्डर हमने बना दिए, बढ़िया समझ में आ गया, और न्यूमेरिकल नहीं बन सकते इस पे, ठीक है ना, जितना हो सकता था कंसेप्ट वाइज ने आपको बता दिया। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगने लगा है कि एक आइडियल गैस होती है, एक रियल गैस होती है। थोड़ा बहुत हमेशा रिवाइंड करते रहो दिमाग में कि जो आइडियल गैस होती है उसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और रियल गैस में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, एलपीएचटी, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ऐसा होता है। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स पॉइंट मास होते हैं। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी होता है। आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता और मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आया एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, जिसकी वैल्यू है पीवी अपॉन एनआरटी या वी रियल अपॉन वी आइडियल। जेड की वैल्यू 1 तो आइडियल, 1 नहीं तो रियल, ग्रेटर देन 1 तो पॉजिटिव डेविएशन, लेस देन 1 तो नेगेटिव डेविएशन। बस इतना ही तो पढ़ो। अब पढ़ते हैं अपन अगला टॉपिक, हेडिंग लगाएंगे आप मेरे साथ, वेरिएशन ऑफ जेड विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। जेड किस किस तरह से चेंज होता है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ, समझो कहानी को। शायद प्रेशर बदलने पे भी गैस का बिहेवियर चेंज होता है, हो सकता है प्रेशर बढ़ाने पे गैस आइडियल हो जाए, घटाने पे रियल हो जाए, कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर के साथ भी, तो ये हम चेक करने जा रहे हैं। तो पहला ये देख लेते हैं वेरिएशन विथ प्रेशर, तो Z वर्सेस प्रेशर चेक करते हैं। तो मैं ग्राफ बना रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, यहां पे लिखा Z, यहां पे लिखा प्रेशर, यहां पे Z की वैल्यू 1, Z इज इक्वल्स टू 1 की ये लाइन है, मतलब इस पे जो गैस फॉल करेगी दैट विल बी आइडियल गैस। Z इज इक्वल्स टू 1 जिसके लिए, वो कौन सी गैस है, आइडियल गैस, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। इस ग्राफ को बनाते वक्त मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया, 298 केल्विन पे कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ना बहुत कम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर ले लिया मैंने, मॉडरेट टेम्परेचर, ताकि टेम्परेचर की वजह से फर्क ना पड़े अपसेट की वैल्यू पे, ना ही बहुत कम है ना ही बहुत ज्यादा। और अब मैं ग्राफ बनाऊंगा फॉर डिफरेंट गैसेस, फॉर डिफरेंट गैसेस मैं ग्राफ बनाऊंगा। तो सबसे पहला ग्राफ बच्चों यहाँ पे, अब ये थ्योरेटिकल डेटा है, जो है सो है, मतलब इसमें मैं कुछ आपको नया नहीं बताऊंगा, तो इसको आपको नोट ही करना पड़ेगा। ये ग्राफ बना पहला हाइड्रोजन और हीलियम का, थोड़ा अलग बना था हमने, इसी में बना दिया हाइड्रोजन और हीलियम का। तो हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में खास बात देखिए जरा, कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जेड की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है। इस रीजन में देखो क्या है, जेड ग्रेटर देन 1, यहाँ क्या है जेड लेस देन 1, ये जेड है ना वाई एक्सिस पे, इसके ऊपर जेड ग्रेटर देन, मतलब ये हमेशा शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए इनको मतलब नहीं, हम क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, चाहे प्रेशर कम हो चाहे प्रेशर ज्यादा हो इनको फर्क नहीं पड़ रहा है ना, चाहे हमारे पास लो प्रेशर हो चाहे हमारे पास हाई प्रेशर हो इनको फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, ऑल अदर गैसेस शो, आओ देखते हैं कुछ ग्राफ बनाते हैं जिससे क्लियर होगा। जैसे पहला ग्राफ मैं बनाता हूं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन ग्राफ कुछ ऐसा बनता है N2। शुरू में नाइट्रोजन के लिए जेड की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब नेगेटिव डेविएशन, और फिर बाद में ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव डेविएशन, लेस देन 1 मतलब नेगेटिव डेविएशन। फिर ऑक्सीजन का ग्राफ है, वो भी कुछ ऐसे ही गया, ऑक्सीजन शुरू में नेगेटिव डेविएशन बाद में पॉजिटिव डेविएशन। कार्बन डाइऑक्साइड सेम ग्राफ, कार्बन डाइऑक्साइड शुरू में नेगेटिव डेविएशन बाद में पॉजिटिव डेविएशन। तो ऑल अदर गैसेस शो नेगेटिव डेविएशन कब, लो प्रेशर पे, देखो जरा लो प्रेशर पे, जब प्रेशर कम है तो सबने नेगेटिव डेविएशन, सब नीचे है, एंड पॉजिटिव डेविएशन कहां पे, हाई प्रेशर पे। क्या मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में ये बात लिखवा दी आपको, जरा नोट्स चेक करो, जो पी वर्सेस वी का ग्राफ बनाया है तुमने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला जो ग्राफ बना था उसमें चेक करो, यही बात लिख ली थी तुमने, याद आ रहा, इस तरफ प्रेशर हाई था पॉजिटिव डेविएशन,
इस तरफ प्रेशर लो था, नेगेटिव डेविएशन। यही बात ये ग्राफ बता रहा, क्या बता रहा कि हाइड्रोजन हीलियम ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन, रेस्ट ऑफ द गैसेस शो नेगेटिव डेविएशन फॉर लो प्रेशर एंड पॉजिटिव डेविएशन फॉर हाई प्रेशर। कंपैरिजन अभी बाद में होगा, उसके लिए तो वांडरवॉल इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी, वहीं से कंपैरिजन हो पाएगा कि कौन ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, कौन लेस दिखाएगा, कौन सी गैस कैसे बिहेव। अभी उस पे मत टेंशन लो, वो तो वांडरवॉल जब पढ़ोगे। क्लियर है यहां तक कि लो प्रेशर पे सभी गैस क्या दिखाती है? नेगेटिव डेविएशन। हाई प्रेशर पे सभी गैस क्या दिखाती है? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, चले आगे बढ़े। ओके, तो ये था जेड वर्सेस प्रेशर का ग्राफ, जिसमें पता चला कि हाइड्रोजन हीलियम हमेशा क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव डेविएशन, और बाकी गैसेस कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। बाकी अट्रैक्शन रिपल्शन तो आप समझ ही जाओगे। सवाल कर लें क्या एक? चलिए एक सवाल कर लेते हैं इसी पे, है ना। लगातार सवाल करते रहते हैं जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता रहे। जेड वर्सेस प्रेशर का मैं ग्राफ बना रहा हूं, यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 है और जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, गैस ए गैस बी गैस सी, 3 गैसेस है हमारे पास ए बी एंड सी। अरेंज यहां पे जेड की वैल्यू 1 है, अरेंज गैसेस ए बी एंड सी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस करके दिखाएंगे भाई। कुछ करिए कुछ करिए, मेरी बाल है। चलो भाई करके दिखाओ। अरेंज गैसेस ए बी एंड सी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस। किसमें अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा है? ज्यादा है। अट्रैक्टिव फोर्स कब आती है एक बार जरा चेक कर लिया जाए, सोच लिया जाए। जेड अगर लेस देन 1 है, मतलब V रियल लेस देन V आइडियल है। वॉल्यूम जो सोच रहे थे उससे कम आया, मतलब मॉलिक्यूल्स पास आए, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ज्यादा होगी जेड 1 से जितना छोटा होगा। भाई तीनों का जेड 1 से छोटा है यहाँ पे, ये जेड लेस देन 1। सबसे छोटा किसका हो रहा है? मेरे ख्याल से सी का हो रहा है। सी देखो 1 से सबसे ज्यादा नीचे गया है, फिर बी गया है, फिर ए गया है। सो जेड की वैल्यू हम देखें भाई, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए हमें क्या देखना है कि जेड की वैल्यू 1 से कितनी कम है। तो सबसे कम किसकी है? सी। तो सी में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर बी, फिर ए। फोर्स ऑफ रिपल्शन बोलता तो इसी का हम उल्टा पुल्टा कर देते। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं जेड वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। Z वर्सेस टेम्परेचर, तो यार मुझे दुख है इस बात का, पर Z वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होता ही नहीं। फिर क्या होता है? जिंदगी कैसी है पहेली हाय। Z वर्सेस प्रेशर का ही ग्राफ फिर से बनेगा, ठीक है। फॉर अ गिवन गैस, किसी एक गैस के लिए, हाँ हाँ, जेड वर्सेस प्रेशर का ग्राफ फिर से बनेगा। फॉर पिछली बार बहुत सी गैसेस के लिए बना रहे थे, फॉर अ गिवन गैस, और इस बार हम टेम्परेचर को वेरी कराएंगे। जरा ध्यान से देखना, हमने किसी गैस के लिए जेड वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाया एट सम टेम्परेचर T1, तो ग्राफ बना कुछ ऐसा एट टेम्परेचर T1, ठीक है। फिर हमने वही ग्राफ बनाया एट टेम्परेचर T2, तो हमने देखा T2 पे भैया ग्राफ कुछ ऐसा बना। फिर हमने वही गैस के लिए टेम्परेचर और बढ़ाया और Z का ग्राफ बनाया प्रेशर के साथ, तो ग्राफ बना कुछ ऐसे T3। What you can observe over here, as temperature increases, deviation decreases, या ये बोल सकते हैं as temperature increases आइडियल बिहेवियर इंक्रीजेस। दिख रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो डेविएशन कम हो रही है। T1 बहुत छोटा, डेविएशन बहुत ज्यादा है, इधर भी बहुत ज्यादा है, ऊपर भाग रहा है। टेम्परेचर बढ़ाया डेविएशन कम हो गई, टेम्परेचर और बढ़ाया डेविएशन और कम हो गई, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेविएशन और कम हो जाएगी T4।
सो हायर द टेम्परेचर लेसर इज द डेविएशन, ये याद रखना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर पे कोई डेविएशन नहीं है, ठीक है ना। खैर इसके बारे में तो और डिटेल डिस्कशन होगा। सो हायर द टेम्परेचर लेसर इज द डेविएशन फॉर अ गिवन गैस। तो बच्चों ये एक छोटा सा वीडियो था, रियल गैस आइडियल गैस का इंट्रोडक्शन था। मैं चाहता तो इसको दो घंटे का बना देता क्योंकि इसमें भी और टॉपिक्स बचे हुए हैं, पर उसको दूसरे वीडियो में करते हैं। तब तक इसको एंजॉय करो, अपलोड अपलोड हो जाएगा जल्दी, छोटा वीडियो एडिटिंग हो जाएगी आसानी से। अगला वीडियो बच्चों बताएगा वांडरवॉल इक्वेशन के बारे में कि इसको टैकल कैसे करें। ये जो रियल गैस आइडियल गैस की कहानी आ गई है, तो आइडियल गैस के लिए तो मेरे पास इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब रियल गैस के लिए भी कई साइंटिस्ट ने इक्वेशन दी, बर्थलॉट ने दी, वांडरवॉल ने दी, और भी साइंटिस्ट ने दी। तो उसमें सबसे ज्यादा पहले और सबसे ज्यादा फेमस वांडरवॉल की इक्वेशन है, तो हमको वो पढ़नी है। वांडरवॉल ने संभाल ली है सारी कहानी। ये जो प्रॉब्लम हो रही थी कैसे कैलकुलेशन करें, अब अभी तक तो आप कह रहे थे आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, अब आप बता रहे हो कि आइडियल गैस वैलिड ही नहीं है ना। वैलिड है वो आइडियल गैस इक्वेशन, हम रियल पे तभी लगा सकते हैं लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। अब आप कह रहे हो कि रियल गैस कुछ और ही होती है, कहानी बदल दी। तो वांडरवॉल ने एक इक्वेशन दी, कुछ करेक्शन किए, आइडियल गैस की इक्वेशन में कुछ करेक्शन किए, बोला ये चीज़ गलत है इसको सही कर लो, कहानी बन जाएगी। तो वांडरवॉल ही थे भैया असली अमिताभ बच्चन। तो अगला वीडियो ये बताएगा कि किस टाइप की गैस में डेविएशन ज्यादा होता है। ऐसे हमसे पूछे कार्बन डाइऑक्साइड का डेविएशन ज्यादा है कि ऑक्सीजन का ज्यादा, ये सारी चीजें भी आएगी, और कैसे इसको हम संभाल लेंगे ये भी आएगा, कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई होती है, ये सारे टॉपिक भी आएंगे। तो वेट करिए वांडरवॉल इक्वेशन का, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।